फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे डेफिशिएंसी डिजीज. डिजीज दैट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज. अगर हमारी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की कमी काफ़ी लंबे टाइम से चल रही होती है तो हम उस डिजीज़ को क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज. अब हम डिफरेंट डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि डिफरेंट विटामिन और मिनरल्स की वजह से कॉज होती हैं. फर्स्ट, विटामिन ए, लॉस ऑफ विजन. इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, एक तो आपको दिखना थोड़ा सा धीरे धीरे बंद हो जाता है, या फिर पूरा ही दिखना बंद हो जाता है, या फिर आपको डार्कनेस, अगर अंधेरा होता है तो आपको अच्छी तरह से नहीं दिखता है. मतलब किसी को अगर एक लाइट में ठीक से दिख रहा है तो आपको उतना दो लाइट में ठीक से दिखेगा. सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी विटामिन ए के हमारे गुड सोर्स हैं सो हमें वी शुड ईट दैट. जैसे सबसे अच्छा है स्पिनच, आफ्टर दैट कैरेट. सो इससे हमारी डेफिशिएंसी डिजीज होने के चांसेस कम हो सकते हैं. नेक्स्ट इज विटामिन B1. इसकी वजह से हमारी डिजीज होती है बेरी बेरी में हमारे जो मसल्स होती हैं वो काफ़ी वीक हो जाती है, हमारी नर्व्स भी काफ़ी वीक हो जाती हैं कि हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती है. सो वी शुड टेक प्रॉपर सोर्सेज दैट आर रिच इन विटामिन बी. नेक्स्ट इज विटामिन सी. विटामिन सी मोस्टली हमारा प्रेजेंट होता है आंवला, लेमन, जिससे हमारी डिजीज होती है स्कर्वी. स्कर्वी में हमारे जो गम्स होते हैं, ब्लीडिंग होती है उन गम्स में, और साथ में उनको जो हमारे अगर टीथ में कोई प्रॉब्लम है तो उनको हमें हील होने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है. नेक्स्ट इज विटामिन डी. विटामिन डी से जो डिजीज़ होती है उस डिजीज़ का नेम है रिकेट्स. इसमें हमारी जो बोन्स होती हैं काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं, हमारी बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंड हो जाती हैं. मतलब जो हमारी नीज हैं वो बेंड हो जाएंगी और प्रॉपरली वी आर नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली. एंड विटामिन डी हमारा प्रेजेंट होता है मोस्टली सी फूड एंड सनलाइट में. इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ विटामिन डी. कैल्शियम बोन एंड टूथी के, हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए वी शुड ईट मिल्क, क्योंकि हमारी जो बोन्स और टीथ के लिए हमें मिल्क पीना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज हमारी जो बोन्स और टीथ हैं वो वीक हो जाएंगे और जल्दी ख़राब हो जाएंगे अपनी एज से पहले. नेक्स्ट इज आयोडीन. आयोडीन से हमारी डिजीज़ होती है, डिजीज़ का नेम है गोइटर. हमारा नेक पे एक ग्लैंड होता है, अगर आप टच करेंगे तो आपका एक ग्लैंड होगा, एक हल्का सा आपको मोटा सा एक पार्ट दिखेगा उसको होता है, वो हमारा होता है गोइटर ग्लैंड. जो होता है हमारा ग्लैंड, उसकी वजह से हमारी जो नेक वाला पार्ट है वो पूरा स्वॉलन हो जाता है, उसमें हमारी स्वेलिंग आ जाती है क्योंकि हमारी आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता. नेक्स्ट इज आयरन. आयरन की हमारी अनीमिया होती है, हमारी बॉडी लिथार्जिक होती है, हमें वीकनेस हो जाती है, फिर हम चेक करवाते हैं तो अनीमिया, मतलब हीमोग्लोबिन का लेवल कम आ जाता है क्योंकि हम प्रॉपर अमाउंट में आयरन अपनी बॉडी में नहीं ले रहे हैं. सो वी शुड टेक प्रॉपर सोर्सेज ऑफ दीज मिनरल्स एंड विटामिन टू अवॉइड दीज डेफिशिएंसी डिजीज़. हमें प्रॉपरली जो हमें हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी डाइट रखनी चाहिए जिससे कि डेफिशिएंसी डिजीज़ ना हो.